बिहार में क्राइम का एक सबसे बड़ा वजह माना गया है जमीन का विवाद, और उसको सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मुखिया विशेषकर नीतीश कुमार जी बार बार नया नया कुछ न कुछ गाइडलाइन एडवाइजरी जारी करते रहते हैं, और उसके लिए मोटा मोटी तौर पे सरकार काफ़ी संवेदनशील है और सख्त है कि भूमि विवाद के मामले का निपटारा हो, नहीं तो क्राइम बढ़ता है उससे। अब लेकिन देखिए ज़मीन पे ग्राउंड जीरो पे क्या स्थितियां बनती है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये दो चेहरे हैं, आपस में पति पत्नी हैं। मसला ये है कि 5 फीट ज़मीन का विवाद है, 2 साल से ये रगड़ा चल रहा है और 5 FIR 5 मुकदमे इस मामले में हो चुके हैं, लेकिन इस दंपत्ति को न्याय नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिला है। प्रतिदिन किसी न किसी सरकारी दफ्तर आना जाना होता है। अब तो स्थिति ये बन गई है कि 5 मुकदमा जो है सो जो इनके ये इनके ऊपर और इनके जो विपक्षी हैं, आपस में कोई भी मसला होता है, छोटा सा विवाद होता है, पुलिस FIR कर लेती है दोनों पक्ष के ऊपर और उसके बाद मामला यथावत है। CO की वही स्थिति है, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकार के द्वारा इनके पक्ष में फैसला भी दिया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। क्या कुछ मसला है हम जानना चाहते हैं। ये दंपत्ति आपको सिरदला प्रखंड के नवादा जिले के सिरदला प्रखंड के बरगांव के निवासी हैं, और आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में ये कंप्लेन करने के लिए पहुँचे थे, और इस दौरान इन्होंने इन DM और SP को अपनी समस्या सुनाई और क्या मसला है पूरी बात आप इन्हीं के जुबानी हम सुनाते हैं। तो ये हैं सरता देवी, मुख्य रूप से काफी मुखर यही हैं। मैडम बताइए क्या मामला है आपका, सुन बताइए। भूमि विवाद है। भूमि विवाद है तो क्या विवाद है, विवाद है कि 3 साल से हम परेशान हैं, परेशान हो चुके हैं कोर्ट में, SDO कोर्ट में मेरा कार्रवाई चली, कार्रवाई में मेरा 44 का भी मेरा पक्ष में हो चुका है, और SDO साहब के न्यायालय में कभी मेरा विपक्षी राम प्रवेश तिवारी कभी न्यायालय तक नहीं पहुंचा, कोई नोटिस में नहीं पहुंचा और नोटिस को कभी मान नहीं किया, और मेरा पक्ष पर मेरा ऑर्डर हो चुका, SDO साहब हमारा कागज के ऑर्डर भी कर चुके हैं CO और थाना अंचल अधिकारी को, जिस पर उन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और 15 मार्च को मेरा मकान भी तोड़ दिया गया है, दीवार मैंने आवेदन को लेके अंचलाधिकारी तक भी दिए, बाकी अंचलाधिकारी जांच तक भी नहीं पहुंचे हुए हैं, और 2 तारीख के मेरा घर पर अंचलाधिकारी ने मेरे विपक्षी के मेल में आकर और अमीन भेजकर मेरा जमीन के बराबर करा दिए हैं, जिससे मेरा दरवाजा बंद हो जा रहा है। ये विवाद कितना दिन से चल रहा है? ये विवाद 3 साल से चल रहा है, 2022 1 जून का नापी हुआ। अच्छा, 1 जून 2022 को नापी हुआ जी। 5 फीट जमीन आपके हिस्सा में निकलता जी, है जी, कहना है जो अमीन का रिपोर्ट है जी है? जी जी। लेकिन उसके बाद उस जमीन पर दखल कब्जा आज तक नहीं दिलाया गया है, क्या यही मसला है? जी जी यही मसला है। और उल्टे विपक्षी के द्वारा इनके घर पर बराबर मतलब पथराव मारपीट हमला ये सब किया जाता है, बहुत 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 हो रहा है मारपीट मारपीट। इस सिलसिले में दोनों पक्षों की ओर से 5 मुकदमा 5 FIR सिरदला थाना में हो चुका है। बहुत तरह से मारपीट हम लोग खाई, SDO साहब समक्ष में कई बार गई हमने मिली जाके, मेरा आंख तर भी चोट लगा, अभी तक सूजन हुआ है, मेरे सास को अंगुली तोड़ दिया गया, दांत तोड़ दिया गया, उस पर एक FIR दर्ज हुआ, 647/22 केस नंबर है। उसके बाद मेरे ससुर के रट से मारा, रट से घायल हो गए ससुर पूरे तरह से, उस पर भी एक FIR दर्ज हुआ। एक चीज तो आप कह रहे हैं कि SDO कोर्ट का फैसला जो 144 लगा था आपके पक्ष में आ गया जी, उसके बाद एक आप लगता है लोक शिकायत में भी गए थे जी जी। तो जी, लोक शिकायत में क्या हुआ? लोक शिकायत में भी पक्ष मेरे पक्ष में फैसला आया है रात को। अब समझिए अनुमंडल लेवल पे रजौली में लोक शिकायत निवारण कार्यालय के द्वारा भी फैसला इन्हीं के पक्ष में दिया गया है। इसके अलावा SDO के 144 पर का जो मामला चला उसमें भी जमीन इन्हीं का बताया गया और CO को डायरेक्शन दिया गया कि आप जो है सो दखल कब्जा या जो भी हो अग्रेतर कार्रवाई कानून सम्मत करें, लेकिन अभी वो मामला को उलझाया जा रहा है, मामला सॉल्व करने का काम नहीं किया जा रहा है। अब विपक्षी का कोई अपना उस टाइप का असर है या ये लोग की कमजोरी कहीं ना कहीं है, खुद कमजोर है इसलिए ऐसी और स्थिति बन रही है, ये तो यही लोग जाने या सिस्टम में जो लोग बैठे हुए जाने, लेकिन इनको न्याय पिछले 3 साल से नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक कोई थाना का कोई मामला था जब आप गए थे वहाँ न्याय मांगने के लिए, तो क्या हुआ था वहाँ जी? थाना पर हमने गए, 15 मार्च को मेरा मकान टूटा, तो हमने 16 मार्च को थाना पर गए, आवेदन को लेकर शाम हो गई थी, मैं घर पर अकेली थी, पुलिस वाले आए थे,
चार बजे के टाइम में, और फोन की थी मैं पुलिस स्टेशन कि मेरा घर मकान टूट रहा है, जो हमें जान बचाया जाए। तो तीन गाड़ी से पुलिस वहाँ फोर्स पहुँची थी, फोर्स पहुँच के हमको आवासान दिए कि आप घर चलिए थाना पर। तो हम अकेली महिला थी तो थाना पर नहीं पहुँच पाई। 16 तारीख को आवेदन लेकर हमने थाना पर गई। थाना पर आवेदन लेकर थाना प्रभारी संजीत राम हमें बहुत अभद्र गाली गलौज करते हुए हमें फटकार धक्का लगाते हुए भगा दिए। और हम लोग थाना पर की घटना थी। जी जी, ये थाना पर की घटना है। कौन थाना अध्यक्ष? संजीत राम के द्वारा गाली गलौज किया। जी, जी संजीत राम बड़ा बाबू हमको गाली गलौज दिए। जो गाली गलौज किए मतलब मामला जमीन विवाद वाला होगा ना? जी जी, जमीन विवाद के चलते संजीत राम ने गाली गलौज की। स्थिति क्या है मतलब कि एक तो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं लोग, और अगर पहुँचते हैं तो उल्टे गाली गलौज किया जाता है। एक चीज हम आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हमने उस जो रिकॉर्डिंग है जो थाना अध्यक्ष का मतलब अभद्र भाषा का, अभद्र भाषा क्या मतलब पूरी तरह अमर्यादित पराकाष्ठा कहिए गाली गलौज का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे लगता है कोई चोर मवाली को अगर उस प्रकार की गाली दी जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन एक महिला को उस प्रकार से गाली गलौज। और सुनते हैं कि रिकॉर्डिंग आप एसपी साहब को ही सुना दी है क्या? जी जी, हमने एसपी साहब तर आज रिकॉर्डिंग सुनाई, बाकी एसपी साहब के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। डीएसपी साहब तर भी हमने रिकॉर्डिंग सुनाए, इंस्पेक्टर साहब को भी हमने सुनाए, बाकी कोई हमारे द्वारा कार्रवाई नहीं कर रहे। सबको रिकॉर्डिंग हमने सुनाई और गलत एफआईआर भी कर दिए हैं। बड़ा हम तो सुन लिए हैं, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को हम आपको नहीं सुना सकते, आम पब्लिक को नहीं सुना सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टम में बैठे हुए लोग थोड़ी सी भी शर्म और हया है तो उस थानेदार के खिलाफ तो तत्काल कड़ी कार्रवाई की ही जा सकती है। हम उस वीडियो को आपको नहीं सुना सकते हैं, वो जो रिकॉर्डिंग है मोबाइल में इनका रिकॉर्डिंग था, हमने सुना है। और ये कह रहे हैं दावे के साथ कि हमने इंस्पेक्टर डीएसपी और एसपी सबको सुना दिया उस रिकॉर्डिंग के बावजूद। अगर वो थाना में उस चेयर पर वो व्यक्ति अगर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ किसी प्रकार की जांच नहीं की गई, किसी प्रकार कार्रवाई नहीं की गई, तो समझ सकते हैं कि सरकार की जो मंशा है कि जस्टिस दिया जाए, भूमि विवाद का निपटारा किया जाए, भूमि विवाद ही बहुत बड़ा विधि व्यवस्था का जो उलझन पैदा होता है उसका बहुत बड़ा जड़ होता है, तो समझ सकते हैं कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है, कैसे सिस्टम फंक्शन। आज आप डीएम साहब के यहाँ भी गए? डीएम साहब ने जी जी, डीएम साहब यहाँ हम जाके दिए आवेदन। डीएम साहब से आश्वासन हमें मिली कि ठीक है, इस पर हम सीओ साहब के कॉल करके पूछते हैं और आपका आवेदन पर कार्रवाई करते हैं। डीएम खुद थे? नहीं, वो डीडीसी थे। अच्छा, आज के जनता दरबार में आज तारीख है 10 तारीख है ना? जी, आज 10 मई है और आज जनता दरबार था शुक्रवार का दिन। तो डीएम के बिहाफ में डीडीसी दीपक कुमार मिश्रा वहां थे, उन्होंने इनकी फरियाद को सुना और उसके बाद आप एसपी साहब के यहां भी गए? जी। और एसपी साहब को भी सुना दिया? जी, पूरा कंप्लेन बताया कि जी क्या जी, मतलब पूरा पूरा कंप्लेन हमने बताई एसपी साहब को और रिकॉर्डिंग वो सुना दिए जो जी, जी, जो थानेदार आपको जी जी रिकॉर्डिंग भी हम सुना दी। क्या बोले एसपी साहब? बोले ठीक है, हम इस पर जांच पड़ताल करते हैं। दो बार एसपी साहब सर हमने बात बोले हैं जी। इसके पहले भी आप मिले हैं एसपी साहब? जी, एक बार आओ मिले हैं। उस समय भी रिकॉर्डिंग सुनाए थे? उस समय रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई थी। अब रिकॉर्डिंग सुनाए? जी, आज सुनाई है। मतलब पिछली बार भी एसपी साहब से मिली? कब मिली थी? 8/4 को। अच्छा, 8 अप्रैल को। तो खैर उस समय तो चुनाव का लगता है समय होगा, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को तो एसपी साहब ज्वाइन ही किए नवादा में, लेकिन फिर भी 1 महीने का वक्त बीत गया इस पूरे मसले पर। देखिए ना, मेरे पास ये जो है दस्तावेज इतना सारा पन्ना, ये सारा पन्ना इन्हीं का कंप्लेन फैसला, इसमें लोक शिकायत, सिविल एसडीओ रजौली, इसके अलावा अंचल से लेकर के थाना का एफआईआर, इतना सारा पन्ना तो मेरे पास उपलब्ध है इनका। और अभी लगातार ये कंप्लेन दे ही रही। क्या कंप्लेन दे ही रही? जी एकदम पूरा। क्या आपका डिमांड, क्या क्या मांग करते हैं इस मेरा जो 5 फीट जमीन है, मेरा खिड़की दरवाजा खुला रहना चाहिए, जो जमीन है मेरा जमीन को बॉन्डिंग करा दिया जाए कि हमारा जीवन बच जाए। हम लोग सब बहुत जीवन के संकट काट रहे हैं। 5 फीट मात्र जमीन का मसला है, फिर हम आपको बता रहे हैं मात्र 5 फीट जमीन का मसला है। इनका घर बना हुआ है पहले से, 5 फीट इन्हीं के पोजीशन की जमीन है, अब उस जमीन पर कोई और दावा कर रहे हैं। कौन है वो विपक्षी, क्या नाम है? राम प्रवेश तिवारी। और आपके पति का क्या नाम? श्रीकांत तिवारी। आप श्रीकांत है? श्रीकांत तिवारी और राम प्रवेश तिवारी के बीच का यह मसला है, दोनों आपस में हिस्सेदार ही हैं, लेकिन इसमें गेम प्लान कहीं ना कहीं जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो चाहें तो घंटे दो घंटे में वहां पर बैठ करके इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, बता सकते हैं कि वाकई में जमीन किसकी है, वो करने की स्थिति में। अब तो स्थिति यह है कि इनका कहना है कि हमारा घर दरवाजा, तक क्या घर दरवाजा बंद कर दिया? जी, घर दरवाजा पैक कर दिया है और दरवाजा पैक करना चाह रहा है। अच्छा, अब पिछला बार जब अमीन, एक चीज और जान लीजिए,
पहली बार जब विवाद शुरू हुआ था तो अंचल अमीन के द्वारा नापी की गई थी और नापी में अंचल अमीन के द्वारा ही रिपोर्ट दिया गया था अंचल अधिकारी को कि 5 फीट जमीन इनका निकलता है, ठीक है ना, 5 फीट जमीन इनका है। उसके बावजूद जो है सो इनको दखल कब्जा नहीं दिलाया जा रहा, यही स्थिति है ना जी। 5 फीट जमीन आपका निकलता है जी, 5 फीट जी, सीओ का रिपोर्ट है, सीओ का रिपोर्ट है, मतलब ढेला ढक्कर पथराव जी जी सब किया जा रहा है। 2 बार 44 लगी, 88 का भी नोटिस थाना पर पहुंची, कार्रवाई करने के लिए डीएसपी साहब को भी आवेदन दिया गया, उस जो आवेदन मेरे पास में है, जो डीएसपी साहब जांच तक भी नहीं गए, उस समय पंकज थे डीएसपी साहब, पंकज कुमार जी वो भी जांच पर नहीं गए और सीओ साहब भी जांच पर नहीं गए, प्लॉट पर जांच पर आई तक सीओ साहब पहुंचिए भी नहीं किए हैं। और मेरा जमीन विवादित जो है राम प्रवेश तिवारी, नापी के बाद तुरंत 5 फीट की दीवार लगा के मेरा खिड़की पैक कर दी। आप तिवारी क्या करना चाहते हैं, क्या है, आगे आइए ना जी, बताइए क्या मामला है। मामला है जमीनी विवाद का, तो इसमें बराबर मेरे साथ दुराचार अत्याचार किया जाता है, क्योंकि मैं घर पर रहता नहीं हूँ और मैं कोडरमा में पूजा पाठ कर करके अपने जीवन गुजर बसर को करते हैं। पूजा पाठ करा करके ही जीवन यापन जी, मुख्य रूप से चलता जी, है जी ना? जी और इन्हें आपका गोतिया लोग आपका जमीन में हड़प रहा है जी हाँ, बराबर उनके द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट किया जा रहा है, दुराचार किया जा रहा है। घर में मेरी एक महिला अकेली रहती है, 2 बच्चे हैं और एक मेरी माता जी। आप जो मैडम बता रही थी जिसे एसडीओ साहब तो आपके पक्ष में फैसला दे दिया है, लोक शिकायत निवारण भी इनके पक्ष में फैसला दिया है, तो जो गड़बड़ हो रहा है थाना और अंचल के जी जी हाँ, थाना और अंचल की ये सब किया। अंचल में तो पहले आपके पक्ष में फैसला दिया गया था कि नापी में तो आपका जमीन निकल रही है जी, तो वो अंचल बदली कर गए, दूसरा अंचल आए हैं, दूसरा अंचल आए हैं, दूसरा अंचल पार्टी के मेल में आकर जमीन को बराबर करा दिए हैं 2 तारीख को। और हम बोले तो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, हम बोले कि हजूर आप कैसे ये जमीन को बराबर करा दिए, विवादी जमीन पर नापी भी नहीं हुआ है, अलग बलग से नापी किया है अमीन सर, हमको घर दरवाजा पैक हो रहा है, आप कैसे ही नापी करा दिए, तो कहते हैं कि LRDC ऑफिस चले जाइए, हम बोले कि कहीं नहीं जाएंगे, अब आपके खिलाफ जाएंगे तो फोन काट दिए। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो हम बताते हैं कि 2 हिस्सेदार हैं ये लोग और दोनों हिस्सेदार के बीच में कुछ जमीन का मसला था, विवाद जब आगे बढ़ा तो इन्होंने कानूनन अंचल का सहारा लिया, तो अंचल के द्वारा इनके जमीन की नापी की गई और नापी के बाद 5 फीट जमीन जो पाया गया कि इनके पोजिशन का जमीन है और उस जमीन पर कब्जा जो है सो अब तक नहीं दिलाया गया है इन लोगों को। और जो इनके अपोजिशन के लोग हैं थोड़ा ज़्यादा इनके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं। SDO का कोर्ट का फैसला भी इनके फेवर में आया है, लोक शिकायत निवारण कार्यालय का भी फैसला इनके फेवर में आया है, लेकिन अंचल और थाना स्तर से जो होता है समस्या, जो जहाँ शनिवार को भी जनता दरबार लगाने का आदेश है अंचल और थाना को, थानाध्यक्ष को, अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष को, सबसे पहला समस्या का निपटारा वहीं होना चाहिए था, लेकिन उसी के स्तर से मामले को उलझाया और जा रहा है। और आलम यह है कि 5 फीट जमीन के लिए 5 FIR हो चुका है और न जाने 2.5-3 साल करीब जैसा कि बता रहे हैं बीत भी गया है, रोज ये किसी न किसी पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। न्याय कहाँ है ढूंढते रहिए, आप भी ढूंढिए, विचार कीजिए, अब देखते हैं आने वाले दिनों में, चूंकि आज जनता दरबार में भी DM और SP के जनता दरबार में भी ये दोनों दंपति पहुंचे हैं, तो अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, हम इनके संपर्क में रहेंगे, कुछ और डेवलपमेंट इसमें आता है तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।